हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष वहां से मौजूद हैं। आशुतोष, वहां की तस्वीरें दिखाइए। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम। इसके पहले मैं कि दिखाऊं कि यहाँ तैयारियां कैसी हैं, सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जो फिर एक बार आपको 2020-2021 की यादें ताजा कर देती हैं। जहां तक नजर जा रही है, आप कोहरे की धुंध की वजह से बहुत ज्यादा नहीं देखेगा, लेकिन ये 1 किलोमीटर था और ये शायद दूरी कहीं ज्यादा है। और ये वो सबसे क्रूशियल इलाका है, क्योंकि आप दिल्ली से मेरठ हाईवे है तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका इससे जुड़ता है, गाजियाबाद की आबादी इससे जुड़ती है और सुबह हर किसी को दफ्तर जाना होता है और ये पीक टाइम है ट्रैफिक का, और इसीलिए ये 1 से लगभग 2 किलोमीटर का लंबा जाम इस समय दिल्ली मेरठ हाईवे पर लग चुका है। कैमरे को ठीक ऑपोजिट दिशा में ले जाते हैं। दिल्ली से जो ट्रैफिक दरअसल बाहर की ओर निकल रहा है, जिसमें बीच की जो लेन है दरअसल वो तो पूरी खाली दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बगल की जो सबसे व्यस्त लेन है उस पर भी जो ट्रैफिक है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। तो सबसे बड़ी चुनौती दरअसल अब एजेंसियों के लिए है कि आपको ट्रैफिक भी बहाल करना है, लेकिन यह व्यवस्था इसलिए है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग इसलिए है कि कहीं बाहर से, क्योंकि किसानों की जो रणनीति है, जो इंटरनल इनपुट है कि वो छोटी छोटी गाड़ियों में दूसरे माध्यमों से पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो एक तो तलाशी अभियान चल सके, नियंत्रण रखे ट्रैफिक पर, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, उस पर जांच रखे। और उसके साथ अब आप जो देख रहे हैं ये दरअसल जमावड़ा गाड़ियों का ये एक दीवार बनाई गई है, प्रोटेक्टिव कवर बनाया गया है। ठीक है, टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, राम किनकर, आप जरा तस्वीरों में दिखाइए वहां पर क्या स्थिति है। अर्पिता, अभी लोकेंद्र आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और अमूमन ये चलती हुई सड़क है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरह से ये कोई यार्ड है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंटेनर खड़े किए गए हैं, और ये टिकरी बॉर्डर की जगह है जहां पर पिछली बार आंदोलन हुआ था। और अमूमन आप देखेंगे कि तस्वीरों के जरिए आपको पता लगेगा कि किस तरह से ट्रैफिक थम सा गया है, ठहर सा गया है, आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आर्थिक तौर पर अगर इसको जोड़ें तो आप देखिए 3 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन अमूमन ये पेट्रोल पंप पर जगह नहीं होती है और काफी ज्यादा जो है पेट्रोल के लिए यहां पर लाइन लगी होती है। लेकिन अब तस्वीरें देखेंगे, वीरानी छाई हुई है, जहां जहां पर आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान आपको मिलाई देंगे, और अगर जगह टुकड़ियों में आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह आपको दिखाई देगा। और यही वो तरीका है जिसके जरिए दिल्ली पुलिस ये साबित करना चाहती है कि अगर बहादुरगढ़ से यानी हरियाणा के बॉर्डर से किसी भी तरह से जो किसान है अगर दिल्ली में टिकरी बॉर्डर की तरफ दाखिल होते हैं तो ये कंटेनर, ये कटीले तार और ये मिट्टी से भरा जो कंटेनर है ये उन्हें रोकने का काम करेगा अस्थायी तौर पर। और ये वही जगह है, आपको 2020-21 में आपने देखा होगा कि यहीं से किसानों की टुकड़ी पहुंची थी, हरियाणा से, पंजाब से किसान थे और सीधा उन्होंने रुख किया था रेड फोर्ट का। तो ऐसे में काफी ज्यादा संवेदनशील और बॉर्डर्स के अपेक्षाकृत बहुत संवेदनशील जगह पर ये टिकरी बॉर्डर आता है। यही वजह से आपको दिखेगा कि क्रेन्स के साथ साथ और कंटेनर्स के साथ साथ आपको क्रेन्स की तैनाती भी दिखाई देगी अलग अलग पेट्रोल पंप के सामने। सीधी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे, अर्पिता, साफ है कि किसी भी तरह से किसान अगर मानने के मूड में नहीं है तो पुलिस भी मानने के मूड में नहीं है। और अपडेट हो गई है पिछले चुनावों से, माफ कीजिएगा, प्रदर्शन से सीख लेकर के यह अपडेट हो चुकी है दिल्ली पुलिस भी, लिहाजा इस बार ये और ज्यादा अपडेटेड है। जी जी, और कुछ तस्वीरें भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हैं, वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जाम की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये बैरिकेड आप देख रहे हैं लगा दिया गया, यानी इस तरफ का रास्ता बंद किया गया, रूट डाइवर्ट किया गया है। और इस तरफ आप देखिए कितना जाम जो है, ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह का वक्त। और दूसरी तरफ जो किसान है वो अपनी गाड़ियों, अपने ट्रैक्टर, अपने ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर पर अलग इंतजाम किए गए पिछली बार की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पिछली बार भी बैरिकेडिंग केवल की गई थी और बैरिकेड तोड़कर दरअसल आगे बढ़ने की कोशिश हुई थी, और इसीलिए कई जगहों पर सीमेंट से रोकने के लिए एक बाउंड्री बना दी गई, कई जगहों पर मिट्टी गिरा दी गई है, मिट्टी गिराने की कोशिश होगी ताकि ट्रैक्टर जो है वो आगे ना बढ़े। तो पिछली बार के आंदोलन से सबक लेते हुए, सीखते हुए प्रशासन ने भी अलग इंतजाम अपने किए हुए हैं, लेकिन किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि 2 साल का हमने इंतजार कर लिया, हमारी जो मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, खासतौर पर MSP को लेकर जो उनकी मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और एक बार फिर से वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। और उस बीच कैसी तस्वीर अलग अलग बॉर्डर से आ रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सीधे आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं, वहां पर स्थिति क्या है, सुशांत बताएं।
देखिए अर्पिता, पिछली बार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर किसानों के साथ गतिरोध झेला था, उस पर कहीं ना कहीं देखते हुए सरकार और प्रशासन ये नहीं चाहता कि किसान इस बार दिल्ली में कूच करे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सिंघू बॉर्डर की, जहाँ से अमूमन इस हाईवे पर लाखों गाड़ियां जो है रोजाना यहाँ से रिंकी हुई दिल्ली की तरफ जाती थी, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा धीमी हो चुकी है। मेन हाईवे पर अगर आप देखेंगे फ्लाईओवर पर किस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर में मिट्टी इस वक्त जो है वो भरी जा रही है, ताकि इन कंटेनर्स को किसान धकेल करके हटा ना सके। इसके अलावा मैं दूसरी तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो और भी दिखाएं कि किस तरीके से फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर बैरिगेट जो है जा रही है, कॉन्क्रीट का मटेरियल जो है वो डाला जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो मजदूर है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि इसको पूरी तरीके से मजबूत किया जा सके और किसान आगे की तरफ ना बढ़ सके। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट को भी काफी हद तक यहाँ पर रोकने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स जो व्हीकल जो है वो जाते थे उनको फिलहाल रोका गया है। सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल जो है उनको जाने की इजाजत है। सड़क के चारों ओर अगर आप देखेंगे बड़े बड़े कंटेनर ही कंटेनर इस वक्त जो है वो नजर आ रहे होंगे। लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अगर किसान यहाँ पर आकर के कोई हरकत करते हैं तो उनको सीसीटीवी कैमरे में कैद किया जाए। और यानी अलग अलग बॉर्डर पर जिस तरह इंतजाम है, कहीं पर कटीले तार लगाए गए हैं तो कहीं सीमेंट की एक दीवार से ही बना दी गई है, और रोकने की कोशिश है किसानों को। पिछली बार के जो आंदोलन था उसे सबक लेते हुए प्रशासन ने भी अपनी जबरदस्त तैयारी यहाँ पर की। किसानों का दिल्ली कूच है और इस वजह से अलग अलग जगहों पर बैरिकेड किए गए, खासतौर पर बॉर्डर जो है उन्हें सील किया गया है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें लोगों को करनी पड़ रही है। बॉर्डर पर लंबा जाम है, कई किलोमीटर तक जाम में लोग फंसे हुए हैं। सुबह जब दफ्तर के लिए लोग निकले तो काफी, जहां आपको आधे घंटे का समय लगता था वो एक से डेढ़ घंटे का हो गया। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर आप देखिए गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, भारी जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर देखिए आप, एक तरफ पूरा रास्ता रोका गया है बैरिकेड लगाकर, इसलिए रूट को डाइवर्ट किया गया दूसरी तरफ, और इसलिए भारी जाम वहां पर लग चुका है। किसान भी पंजाब से कूच कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की क्या हाल है, सीधे आपको लिए चलते हैं वहां। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, चूंकि बॉर्डर पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है, जेसीबी खड़ी हैं, क्रेन्स खड़े हैं, अब इतने बड़े लेवल पर आप देखिए कमांडोज खड़े हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो हैं। इसका असर क्या हुआ, गाड़ियों की लंबी कतारें, किलोमीटर से भी लंबी कतारें यहां पर गाड़ियों की लग गई हैं। वर्किंग डे है आज, और बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि आमतौर पर भी ये जो हिस्सा है यहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। ऐसे में जब बॉर्डर पर इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं तो पहले से ही अंदाजा था, और यही वजह है कि ट्रैफिक एडवाइजरी न सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से बल्कि नोएडा पुलिस की तरफ से भी बार बार जारी की जा रही थी कि हैवी ट्रैफिक हो सकता है, या तो मेट्रो से चले या फिर दूसरे रास्तों से आप दिल्ली में एंटर करें, क्योंकि दिल्ली में अगर आपको एंट्री करनी है, चाहे आप किसी भी रोड से इस तरफ से अगर आप आते हैं, चाहे आनंद विहार का रास्ता हो, अप्सरा बॉर्डर का रास्ता हो, या फिर ये चिल्ला बॉर्डर जहां पर मैं मौजूद हूं, इसी तरीके से लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और वजह यह है कि बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा लगाई गई है हर तरीके की, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। जिस तरीके से तकरीबन 2.5 साल पहले 3 साल पहले किसान बॉर्डर पर मौजूद थे, और जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन जो रूट उसको दिया गया था किसान को, उस रूट को छोड़कर के हंगामा हुआ था, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। और तमाम जो नेबरिंग स्टेट है, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गाजियाबाद, नोएडा, उन सभी से संपर्क में है। अब यहाँ पर आप देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस जगह पर, बॉर्डर यानी दिल्ली एंट्री पॉइंट पर, यहाँ पहुंचने में कई कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आधे घंटे से एक घंटे का वक्त गाड़ियों को यहाँ पहुंचने में लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेन रोड, अगर कोई मेन रोड छोड़ करके वैकल्पिक रास्ते की तरफ जा रहा है तो वहां भी उन्हें इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैरिकेड, बड़े बड़े डंपर्स, जेसीबी मशीन, सब कुछ बॉर्डर पर इस वक्त तैनात है। जरूरत पड़ने पर पुलिस, जब अभी किसान, बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह वहां पर जाम जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं।